तो गाइज नथिंग फोन 2 बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था कि यार ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। इवन जब इसके रेंडर सामने आए थे तब भी हमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि यार फोन 2 कुछ अलग ही होगा। अब ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि कैसे कस्टमर के साथ माइंड गेम खेला जा रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, बट उससे पहले नथिंग के बारे में कुछ लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग चीजें जान लेते हैं। तो गाइस नथिंग ने 96 मिलियन डॉलर रेज कर लिए हैं कुछ टाइम पहले। तो यार काल भैया ने इस मौके पे भावुक होकर अपने मन की बात शेयर की। उन्होंने कहा कि यार 2021 में हमने अपना सफर शुरू किया था, हमने नथिंग की एक यूनिक आइडेंटिटी सबके सामने इंट्रोड्यूस की थी। काल ने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंट डिजाइन बनाना इतना भी आसान नहीं था, बहुत हार्ड जॉब थी। वैसे तो हमने एक बिना ट्रांसपेरेंसी वाला प्रोटोटाइप भी बनाया था जो कि देखने में कुछ ऐसा दिखता था, बट फिर हमें लगा कि यार नहीं, हमें कुछ अलग करना चाहिए। और फिर हमें देखने को मिला नथिंग एयर 1 ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ। फिर आया इनका नथिंग फोन 1 जो कि 2022 का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फोन बना। काल ने कहा कि यार वो नथिंग फोन 1 के अभी तक 8 लाख यूनिट सेल कर चुके हैं, जबकि जो एप्पल आईफोन था ना फर्स्ट वाला उसके लगभग टोटल 1.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे। अभी तक नथिंग पिछले 3 सालों में 1.5 मिलियन यूनिट सेल कर चुका है अपने प्रोडक्ट्स का। इनके पास करीबन अभी 450 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और ये वर्ल्ड वाइड 7 ऑफिस ओपन कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे नथिंग या कोई भी ब्रांड माइंड गेम खेलता है। अब ये जो ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स की हाइप क्रिएट करते हैं, इससे सीधा सीधा हमारे माइंड में ट्रिगर होता है कि यार यहाँ तो सब कुछ बहुत मस्त चल रहा है, मस्त मस्त प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। अभी आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले काल ने ना एक ट्वीट किया था कि वो दिन याद आते हैं जब एप्लीकेशंस वो किया करती थी जो उनका काम था। आजकल तो एप्लीकेशन एडिक्टेड बनाती है आप और आपके साथ सब्सक्रिप्शन की गेम खेली जाती है, आपके न्यूरो सिस्टम के साथ खेला जाता है और आपको एक प्रोडक्ट समझा जाता है। तो ऐसा कुछ था ट्वीट वो। अब इसको देख के लगेगा कि यार काल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है हमारे साथ। अब गेम देखो, इसके थोड़ी देर बाद ही काल ने एक और ट्वीट किया कि मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, तो लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, बट ये प्रोसेस धीरे धीरे वाला प्रोसेस होगा। तो अगेन इस रिप्लाई को देख के भी हमें ऐसा लगेगा कि यार नथिंग हमारे बारे में सोच रहा है, जरूर कुछ ना कुछ तगड़ा प्लान किया होगा इन्होंने। दूसरा, अभी अभी फोर्ब्स ने नथिंग को एप्पल ऑफ एंड्रॉइड भी कह दिया है। तो आप देखोगे कि यार हर जगह से बार 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 आपको एक ही चीज दिखाई जा रही है, यार ये नथिंग ब्रांड तो कुछ करेगा, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो ऐसा करके हमारे माइंड में ना सारी अच्छी अच्छी चीजें बैठा दी जाती हैं और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, राइट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यार नथिंग फोन 2 को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में। पहले सबको लग रहा था कि नथिंग फोन 2 के साथ भाई नथिंग पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हिला देगा, कुछ जबरदस्त सा डिजाइन लेके आएगा, 3 कैमराज वाला सेटअप होगा, मस्त सा डिस्प्ले होगा और बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके हमने नथिंग फोन 2 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली है। बट मैं आपको बताऊं, फोन 2 में ऐसा कुछ भी रेवोल्यूशनरी या अलग देखने को नहीं मिलने वाला। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यार अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करो, क्योंकि जितना भी अभी तक हमने नथिंग फोन 2 को देखा है, मतलब इसके लीक्स को या जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। ज्यादातर चीजें क्या है वो फोन 1 जैसी ही है। बट यहाँ पे नथिंग का कॉन्फिडेंस तो देखो भाई, डिवाइस के बारे में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं और इसको प्री ऑर्डर पे डाल दिया, वाह। तो भाई योगेश बरार भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि फोन 2 बस एक प्रो वर्जन है नथिंग फोन 1 का, जिसमें थोड़े से चेंजेस करके कंपनी उसको लॉन्च कर रही है। नथिंग फोन 2 का मतलब है नथिंग फोन 1 का प्रो वर्जन। और अभी तो इसका प्राइस भी आना बाकी है और मुझे लगता है कि नथिंग प्राइस के साथ भी हम सबको हिलाने वाला है। अब क्योंकि नथिंग अपने आप को सीधा एप्पल से कंपेयर करता है और खुद को एक प्रीमियम ब्रांड कहता है, तो यहाँ पे एंड्रॉइड फोन्स के साथ कंपटीशन या एग्रेसिव प्राइसिंग की बात खत्म हो जाती है। बाकी वेट करते हैं 11 जुलाई का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।